मतलब वहां हसीना मैडम नहीं मिल रही हैं और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर? अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती हैं? ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी, आप कैसे बोल सकती हैं? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंट्राप मारेंगे ना तुमको, सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी ऊंट। देखो शुरू इसी ने किया था, अब अगर क्या हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख हमने किया नहीं, उठाया आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी हमारा फोन तो उठा लेंगी, उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जैन सर। जैन, चलिए आप लोगों से बात करनी है। सर वो हसीना मैडम का। जानता हूँ, आइए। यही है वो जगह जहां पर पिछले हफ्ते SHO हसीना मलिक ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, SHO हसीना मलिक खुद एक कोरोना वॉरियर बन चुकी हैं। ऐसे ही वॉरियर्स हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये खुद की और अपने परिवारों की जान रिस्क पे डालती हैं। उसके बाद आती है देश की आवाम और फिर कहीं जाके वो शायद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले अपने मास्क को पहन लीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हसीना मलिक आप एक कोरोना वॉरियर हैं। हसीना मलिक और उनके जैसे वॉरियर्स को सनी चड्डा की तरफ से एक सल्यूट। पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहां चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माता जी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा, डिपार्टमेंट किसी ना किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको, पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला, हमें भेज दिया होता अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना। मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतू जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं, और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप। इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने के SHO होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस SHO की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपकी आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा, इसे अपना टेस्ट ही समझिए।
कितना कमाल का बात है। हमेशा से अपने लिए हम एसएचओ का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये एसएचओ का चेयर मिल रहा है तो हमको अजीब सा लग रहा है। इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है, इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है, और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर ये थाना, बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहां बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। ठीक है अभी? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए। पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही है संतू जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए संतू, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन ही नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना अब। ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, इनके वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इनका करो कुछ। चुप रहो। हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतू, सीक्रेट मीटिंग। आई नो, आई एम बिलो द स्पाई। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है, सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए। क्या ये? ओह माय फेवरेट कतरीना। नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन। सॉरी। ये लीजिए। ये लीजिए, इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर, मतलब इनकी तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा भी टल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा, फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या नवाब साहब? पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी,
ये देखिए हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो शादी की, मुबारक, ले लो भाई मिठाई। नहीं नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए हम नवाब है, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे कब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। एक मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है? देखिए आप समझी नहीं भाई, न्यूज में ये आया था कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा? अरे अब यार देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये थाना है वो आपके अंडर में रहेगा, और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके? हम नवाब हैं और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं, बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए, नवाब साहब आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब आप भी क्या, जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर, पर ये मिल्कियत के मिलने की खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। हाँ हाँ भाई, आप कहें और हम ना पिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 बाहर 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 आइए 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 चलिए।